सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT के अंदर कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसके आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हम UGC नेट के अंदर ICT के अंदर वो टॉपिक कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर ऐसे देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ है दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर कब आया था, कंप्यूटर की शुरुआत कैसी हुई थी, कितने टाइप होते हैं, इस तरीके से करके, यानी कि ऐसे किया जाए तो ये बहुत बड़ा सिलेबस बन जाएगा और उसे 20 दिन लग जाएंगे इसे कम्प्लीट करने में। तो इसलिए हम इसके अंदर वो टॉपिक कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। और तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स किस किस तरह के होते हैं, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले इनपुट डिवाइस आते हैं, फिर CPU आता है और फिर आउटपुट आती है, मुख्य रूप से ये होता है। और अब हम इनमें डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को लगभग कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी होगी। तो जो इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके द्वारा हम अपनी कुछ चीज़ें कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हमें कुछ जोड़ घटा गुना भाग करनी है, तो जो कीबोर्ड के ऊपर नंबर हम दबाते हैं तो जो कीबोर्ड है वो हमारी इनपुट डिवाइस है, उसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं कुछ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, बहुत आसानी से लिखा हुआ है। और देखिए इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकती है, इनमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं और ये थोड़ी बेसिक जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस से हम जैसे किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यानी कि इसके अंदर हम इनपुट डाल रहे हैं कुछ। फिर हो गया जैसे जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, जैसे आजकल मोबाइल में और लैपटॉप में भी टच स्क्रीन आने लग गई है। तो ये सभी की सभी चीज़ें आप एक बार देख लेना दोस्तों। एक जैसे स्कैनर हो गया, जैसे हम कोई भी फोटो है वो स्कैन करते हैं फॉर्म में लगाने के लिए, तो स्कैनर क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। और डिजिब्लेट हो गया, बार कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, ATM ETC हो गया, तो ये सभी मुख्य रूप से हमारी इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस के उल्टा होती है, यानी कि इनपुट के अंदर हम कुछ डालते हैं और आउटपुट के अंदर हमें मिलता है। आउटपुट यूनिट में वे डिवाइस होते हैं जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि वही बात है कि हमने जो कंप्यूटर के अंदर जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए हमने नंबर दबाए, नंबर दबाने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आए, वो रिजल्ट हो सकता है हमारे स्क्रीन पे या फिर स्पीकर में बोल के वो बताए कि 4+5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, वो स्क्रीन पे दिखाए या फिर बोल के दिखाए। अगर स्क्रीन पे दिखाएगा तो वो क्या होगा, स्क्रीन हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। अगर स्पीकर में बोल के वो दिखा रहा है तो जो हमारा स्पीकर है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। और देखिए जो हमारे कंप्यूटर है उसके अंदर मुख्य रूप से एक तो मॉनिटर जो होता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस मुख्य रूप से मानी जाती है, और दूसरा प्रिंटर, जैसे हम प्रिंट करते हैं PDF वगैरह होगी जो भी हो गया, वो हम हार्ड कॉपी में लेने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रिंट की कमांड देते हैं, तो उससे क्या है कि हमें आउटपुट मिल जाता है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर एक मॉनिटर होता है यानी कि स्क्रीन जो होती है वो, फिर प्रिंटर होता है, फिर प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है यानी कि क्लास वगैरह के अंदर हमें फिल्म वगैरह दिखाई जाती है, कोई प्रोजेक्ट पर कुछ चीज़ दिखाई जाती है, और फिर हो गया साउंड कार्ड हो गया और ईयरफोन होगी। तो ये हमारी मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस है। और एक चीज़ और आती है दोस्तों इसके अंदर, कई बार एक दो बार क्वेश्चन ये आया कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट और इनपुट दोनों तरह की डिवाइस है, वो हमें पता करना है। तो देखिए जो हमारा स्कैनर प्लस प्रिंटर जो होता है वो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उसे हम कह सकते हैं। जैसे
जो HP का एक प्रिंटर आता है उससे क्या करते हैं कि हम स्कैन भी कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं प्रिंट भी ले सकते हैं, तो उससे हम दोनों काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन जैसे टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन को हम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहेंगे, क्योंकि टच करके हम उसमें कुछ इनपुट डाल सकते हैं और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हम देख सकते हैं, यानी कि टच स्क्रीन को हम इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है कि ऐसी इनमें से कौन सी चीज़ है जिनसे हम डेटा ले भी सकते हैं और डेटा दे भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है दोस्तों हमारा अगला पार्ट आता है CPU। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए इसमें कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ी नॉर्मल बातें हैं कि जैसे जो CPU होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी के द्वारा जो हमारा कंप्यूटर है वो सब कुछ चलता है। उसी के अंदर जो कैलकुलेशन वगैरह होती है, जो भी हम कमांड देते हैं उस वो ही सब कुछ प्रोसेस करते हैं। और इसे एक रूप से ये कह सकते हैं कि जो CPU होता है वो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क यानी कि माइंड भी कह सकते हैं। वही सारी चीज़ें डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना। और CPU के अंदर मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती है दोस्तों, एक ALU होता है, एक मेमोरी होता है और एक CU होता है। और इनके अंदर देखिए मुख्य रूप से क्या पूछा गया है आज तक। जैसे ALU के बारे में बात करें तो ALU में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मुख्य काम क्या होता है, ये जोड़ घटा गुना भाग करने में, यानी कि लॉजिकल जो चीज़ें हैं तार्किक क्रियाएं करने में ये काम आता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जहाँ पे लॉजिकल काम किया जाए कंप्यूटर के अंदर तो उसमें कौन सी यूनिट काम आएगी, तो उसमें आएगी ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास क्या है। ये देखिए ज़्यादा आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता। आगे दोस्तों हमारे पास कंट्रोल यूनिट CU। और इसके अंदर क्या होता है कि एक तो वही है कि हमें हर चीज़ का पूरा नाम पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। CU कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और ALU के मध्य डेटा के आदान प्रदान की कोशिश करता है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। वही है कि मैंने बताया कि इनमें मुख्य रूप से इनके जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है, फिर भी आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ है। और आगे जो हमारा आता है दोस्तों पार्ट आता है वो है मेमोरी यूनिट, जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रह करके रखता है। अब देखिए हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो सेव होगी, कंप्यूटर उसे समझने के लिए मेमोरी यानी कि याददाश्त के रूप में उसे सेव करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से जो मानव होता है वो भी कुछ चीज़ें सेव करके रखता है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर होता है। और कंप्यूटर में जो मुख्य रूप से दो तरह की मेमोरी मानी जाती है दोस्तों, इसमें कहते हैं कि एक इंटरनल मेमोरी या फिर उसे क्या कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और जो दूसरी जो मेमोरी होती है दोस्तों उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और इन सभी के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी होती है। अब देखिए ये है हमारे पास, एक तो है वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। ये दोस्तों मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये जो दोनों मेमोरी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें से पहले कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, परिवर्तनशील मेमोरी होती है, वो किस तरह की मेमोरी होती है। अब देखिए इसे प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अब दोस्तों यहीं पे आप पॉइंट नोट कीजिए, जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है उसे हम किस तरीके से कहते हैं, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और यानी कि प्राइमरी यानी कि मुख्य मेमोरी भी इसे कहा जाता है। यह सीधे CPU के संपर्क में रहती है तथा
इसके डेटा और निर्देशों का सीपीयू द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसे परिवर्तनशील मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता, जैसे कि रैम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरी है कि जो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जो मेमोरी सेव होती है वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है। टेम्प्रेरी मेमोरी इसके अंदर सेव होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना ज़रूरी है हमें। और इसमें उदाहरण के रूप में हम रैम कह सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों कि जो रैम है हमारा RAM ये किस तरह की मेमोरी है, ये UGC नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो ये जो रैम जो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, और ये क्वेश्चन आया था हमारा नवंबर 2017 के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है। और आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखते हैं। इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में किया जाता है, यानी कि जो मेमोरी हमें परमानेंट रूप से सेव करनी है तो उसके लिए हम किस तरह की मेमोरी का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हम यूज़ करते हैं, ये हमें पता होना ज़रूरी है। और जैसे इसका उदाहरण देखें तो हम हार्ड डिस्क होगी, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, या फिर जो हम जो चिप वगैरह लगाते हैं तो वो होगी, वो एक्सटर्नल जो मेमोरी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी उसे कहा जाता है। और ये तो होगी हमारे दोस्तों मेमोरी, ये तो दो तरह की मेमोरी हमने पढ़ी। और आगे देखते हैं स्पेस के आधार पे, जो स्पेस किसी का कम होता है ज़्यादा होता है तो उसके आधार पे हमारी जो मेमोरी वो कितने तरह की हो सकती है उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहली जो मेमोरी आती है दोस्तों रजिस्टर मेमोरी आती है, और ये चीज़ में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि ये जो चार तरह की अब हम मेमोरी करने वाले ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप चाहे हो सके तो दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। हम बात करते हैं कि रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। देखिए रजिस्टर मेमोरी को रजिस्ट्रम भी कह सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ और सबसे छोटी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो वो होती है दोस्तों हमारी रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है उसको, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई बार सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वो रजिस्टर मेमोरी दे देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे मेमोरी दे देंगे, और उन्हें हमें आगे पीछे लगाना होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। उसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी चाहे फ़ोन की हो या कंप्यूटर की हो, कोई भी काम अत्यधिक तेज़ी से करती है। असल में कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब देखिए इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैश मेमोरी क्या होती है, जैसे कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हम अपना नाम नंबर जो भी चीज़ें हम भरते हैं, जैसे गेम हम खेलते हैं, ठीक है, गेम खेलने के बाद में जैसे हमने एक स्टेज पार कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, तो वो सारी की सारी क्या है कि कैश मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। इसी तरीके से जब हम जो अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट के अंदर क्या होता है कि मान के चलिए हमने एक UGC नेट की वेबसाइट खोली, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ब्राउज़र के अंदर उसकी कैश मेमोरी सेव हो जाएगी, और उससे क्या होगा अगली बार जब हम वही वेबसाइट खोलेंगे तो वो बहुत जल्दी खुलेगी, क्योंकि उसने हमारे ब्राउज़र ने उसकी जो मेमोरी है पहले से ही सेव कर ली है, और उसे पता है कि ये व्यक्ति दोबारा अगर वेबसाइट खोलेगा तो इसकी जो वेबसाइट है बहुत जल्दी ओपन होगी। तो कैश मेमोरी का यहाँ पे यूज़ होता है, और कैश मेमोरी जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती है चाहे कंप्यूटर में हो चाहे हमारे मोबाइल के अंदर, वो सभी कैश मेमोरी का यूज़ करती है ताकि वो स्मूथली चल सके, तो इसलिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। और जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों ये सेकंड नंबर पे आती है हमारी रजिस्टर मेमोरी के मुकाबले में, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के अंदर। अब दोबारा इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डेटा सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं।
अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो हमारी मुख्य मेमोरी होती है, और उसके अंदर क्या है कि जो प्रोसेस करने के काम आती है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मुख्य रूप से दो मेमोरी हम कहते हैं, वो होती है एक तो रैम होती है और एक रोम होती है। और ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यह जो मेमोरी होती है अस्थाई मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। और देखिए, रैम और रोम जो है वो हमारी दो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। अब रैम की बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे हमें पता होना चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहा जाता है। अब देखिए, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो उस दौरान छोटी छोटी मेमोरी की आवश्यकता होती है। जैसे कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उससे हमने कुछ चीज़ दबाई है, तो वो सबसे पहले रैम के अंदर जाती है और उसके बाद में वो आगे प्रोसेस की जाती है। और जो रैम जो होती है दोस्तों, वो क्या है कि जैसे कि हमने कंप्यूटर बंद किया या बिजली चली गई, तो उसके बाद में वो सारी की सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है, मिट जाती है, क्योंकि वो स्टोर नहीं की जाती, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जो रैम जो होती है दोस्तों, वो हमारी अलग अलग साइज़ की हो सकती है। देखिए, ये जो साइज़ है दोस्तों, ये हमारे पहले के साइज़ होते थे, लेकिन आज के टाइम में जो रैम है वो 1 GB आती है, 2 GB आती है, 4 GB आती है, 6 GB आती है, इस तरीके से रैम का जो साइज़ है वो होता है। और जैसे आजकल आपने इसमें भी देखा होगा, हमारे जो फ़ोन है, फ़ोन के अंदर भी हम सुनते हैं कि इसके अंदर 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 6 GB रैम है। तो जिस फ़ोन की जितनी ज़्यादा रैम होगी, वो फ़ोन या कंप्यूटर उतना ज़्यादा स्मूथली चलेगा। और आगे जैसे देखते हैं, हम रैम के भी 3 तरह के प्रकार है, डायनामिक रैम और सिंक्रोनाइज रैम और स्टैटिक रैम। अब देखिए, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UGC के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाता, इनकी मुख्य मुख्य बातें पूछी जाती है। और आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास आगे है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, इसका हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें वही बात है कि इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह है स्थाई मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। अब देखिए, रोम क्या होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर है या फिर अपना मोबाइल है, जब लेके आते तो उसके अंदर कई एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल हुई होती है। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास क्लॉक जो होगी, घड़ी जो होती है फ़ोन में और कंप्यूटर में, कैलकुलेटर हो गया, और भी काफ़ी तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पहले से ही स्टोर होती है। तो वो किसके अंदर होती है, वो हमारी रोम के अंदर होती है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उसको हम केवल यूज़ कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जो कंप्यूटर के अंदर हमारा कैलकुलेटर बन के आया पहले से ही, इसी तरीके से मोबाइल में बन के आया पहले से इंस्टॉल हो गया है, तो उसे हम डिलीट नहीं कर सकते आसानी से, उसको हम केवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से होती है। और ये क्या होता है, कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता। अब जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर है, तो अगर हम अपने फ़ोन को या कंप्यूटर को बंद कर दें, या चलता चलता लाइट चली जाए, या किसी भी कारण से बंद हो जाए, तो ऐसी बात नहीं कि जो कैलकुलेटर है वो हमारा चला जाएगा, वो हमारा हमेशा बना रहेगा। और रोम जो है नॉन वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कहलाती है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रैम और रोम दोनों के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक टेबल भी दे रखी है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, रैम जो होते हैं वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और रोम जो होते हैं वो हमारे परमानेंट मेमोरी होते हैं। और इस जो रैम को हम MB के अंदर कैलकुलेट करते हैं, और जो रोम होते हैं उसको हम GB के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है। और ये जो होते हैं रैम जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं, और ये होते हैं हमारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। और यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन, जो रैम है उसको नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, रोम को यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को उस टाइम यूज़ की जाती है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुका है पहले कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो किस तरह की मेमोरी का यूज़ किया जाता है, रैम का यूज़ किया जाता है या फिर रोम का यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों UGC नेट के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो अगला है दोस्तों, राइट डेटा इज फास्टर। रैम के अंदर क्या है कि जो हम जो डेटा ट्रांसफर वगैरह जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन रोम के अंदर क्या है वो थोड़ी स्लो होती है। तो ये मुख्य रूप से काफ़ी अच्छे पॉइंट है दोस्तों, ये हमें याद रखना बहुत ज़्यादा। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे
क्या है। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इसके भी यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इनमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, पी रोम का मतलब क्या है, ई पी रोम का मतलब क्या है, ई ई पी रोम का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। आप पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी हमारा जून 2019 के अंदर आया था दोस्तों, तो ये हमें पढ़ना ज़रूरी है, इनकी फुल फॉर्म हमें याद होना ज़रूरी है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कि सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है, यह स्टोरेज के काम आती है। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है, कि जो स्टोरेज हम कंप्यूटर से बाहर से जोड़े, जैसे कि हमने हार्ड डिस्क अलग से लगाई, और या फिर हमने पेन ड्राइव लगाई, या फिर हमने सीडी डाली, या फिर मैग्नेटिक डिस्क डाली जो पहले यूज़ होती थी, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। और उसके अंदर क्या है कि उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमारी पेन ड्राइव होते हैं, पेन ड्राइव हम 10 यानी कि 8 GB पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, 32 GB भी लगा सकते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप होता है जो पहले यूज होती थी, आज के टाइम में बहुत कम यूज होती है, और मैग्नेटिक डिस्क होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी, यूएसबी ड्राइव होगी, और इसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क भी आएगी। तो ये दोस्तों ये हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। और कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो रैम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, आप ही मेरे को ये जवाब देना कमेंट बॉक्स के अंदर, जो रैम है वो किस तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है, इसका मेरे को आंसर देना, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी या सही से नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICT में सॉफ्टवेयर के बारे में, और इससे दोस्तों काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं पीछे, और आगे भी इसमें आने की संभावना है, और अभी जून 2019 में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, जिसको हम केवल देख सकते हैं और उसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम फिजिकल रूप से टच नहीं कर सकते, उसको हम यानी कि उसको काम में ले सकते हैं। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे जो काम है उसको बिल्कुल सिंपल बना देता है कंप्यूटर के अंदर, और आज जो हमारा काम है, काम के अनुसार हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। और देखिए जैसे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे कंप्यूटर के अंदर, हमारा फोटोशॉप हो गया फ़ोटो को एडिट करने के लिए, कोरल ड्रा हो गया डिज़ाइनिंग के लिए, और MS ऑफिस हो गया हमारी टाइपिंग वगैरह के लिए। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि हमारा एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस हमारे जो वायरस घुस जाते हैं कंप्यूटर में उन सभी को निकालने के लिए होते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कितने तरह के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब देखिए जैसे हमारे नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम यानी कि जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए इन्हीं की वजह से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलते हैं। अब इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो मैं, जैसे हमारी विंडो होगी तो वो क्या होती है, वो हमारी एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे कह सकते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का समूह होता है। अब जैसे हमारी विंडो है, विंडो के अंदर काफ़ी तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशन जुड़ के वो हमारी विंडो बनी हुई होती है, और इसी के द्वारा हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारी चलती है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से अभी जून 2019 में एक क्वेश्चन आया है। अब देखिए जैसे इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है, यानी कि जो हमारे जो अलग सॉफ्टवेयर है उनको ऑपरेट करने के लिए जो, या फिर हमारा अलग से कोई हार्डवेयर है उसको ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए जैसे इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ।
जैसे कि हम घर में प्रिंटर लेके आते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर को चलाने के लिए जब हम अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो उसके लिए हमें एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम अपना कीबोर्ड डालते हैं पहली बार तो उसमें एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि वो हमारे दूसरे हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच एक सेतु या पुल कह सकते हैं उसका वो काम कर रहा है। और आगे हम देखें दोस्तों, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ लेना, यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन आया है, वो इवनिंग की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे। आगे दोस्तों हमारे पास असेंबलर। अब देखिए असेंबलर क्या होता है, ये जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसी का भाग है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि असेंबलर क्या होता है। अब देखिए असेंबलर क्या होता है, कंप्यूटर असेंबल भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता, और जो कंप्यूटर है कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा समझता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि जीरो और वन की जो भाषा होती है उसको समझता है, और इसीलिए असेंबल भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। अब देखिए जो कंप्यूटर है वो असेंबल भाषा तो समझता नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि असेंबल भाषा जो होती है उसको हम मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए एक ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। जो भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करे उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और पहले बहुत बार आया। यानी कि जो ट्रांसलेटर असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, यानी कि जो असेंबल को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करे उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कंपाइलर है। अब देखिए कंपाइलर को समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए दो तरह की भाषाएं होती है, सबसे पहली होती है निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। अब देखिए ये भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। और जो हमारा असेंबलर था वो क्या था दोस्तों, वो असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, कहीं आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिखी हुई, आप बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, असेंबल और कंपाइलर में से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा इंटरप्रेटर। अब देखिए इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि C++ होगी, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। इंटरप्रेटर सोर्स कोड की पहली लाइन को अनुवाद करता है। अब देखिए इसे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है हमें, जो हमारा ये है कंपाइलर है और जो हमारा इंटरप्रेटर है, इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरप्रेटर क्या काम करता है, सोर्स कोड में लिखी गई लैंग्वेज को पहली लाइन को अनुवाद करता है। यदि पहली लाइन में कोई गलती होती है तो उसे दर्शाता है, यानी कि एरर देता है। जब तक वह लाइन पूरी तरह से संशोधित नहीं की जाती, यानी ठीक नहीं की जाती है, जब तक आगे नहीं बढ़ता, यानी कि तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। इंटरप्रेटर क्या करता है कि जो उच्च स्तरीय भाषा लिखी गई है उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है, और जो सोर्स कोड की भाषा होती है उसको सबसे पहले लाइन पढ़ता है, पहले लाइन को अच्छे से देखता है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई एरर होता है तो वो उसे ठीक करता है, और उसके बाद ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये होता है इंटरप्रेटर का काम। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हमारे यूज़ के लिए अलग अलग जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हमारा फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, तो ये हमारी ज़रूरत के अनुसार होते हैं अलग अलग। अब देखिए फोटोशॉप है वो हो सकता है किसी दोस्त को ज़रूरत हो किसी को ना हो, यानी कि अपनी ज़रूरत के अनुसार जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इसको
पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना। और आगे आते हैं दोस्तों, हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेयर करने में या उसको और बेहतर बनाने में काम किए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो एंटीवायरस है, देखिए एंटीवायरस क्या काम करता है, अगर हमारा जो कंप्यूटर है वो हैंग हो रहा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तकनीकी प्रॉब्लम आ रही, तो उसको ठीक करने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में जैसे डिस्क क्लीनर हो गया, हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर काफ़ी तरह की फाइलें, जंक फाइलें इकट्ठी हो जाती है, और उनको क्लीन करने के लिए हम डिस्क क्लीनर का यूज़ किया जाता है। और आगे जैसे रजिस्ट्री क्लीनर हो गया, पासवर्ड जनरेटर हो गया, फाइल बैकअप लेने के लिए, यानी कि हमें लगता है कि ये हमारी फाइलें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका हमें बैकअप लेना चाहिए, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों उनको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर को और बेहतर बनाने में काम आए उसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद जैसे कि ये हार्डवेयर दोस्तों वो चीज़ होते हैं जिसे हम फिजिकल रूप से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको अच्छे से काम में ला सकते हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया जिनको हम टच कर सकते हैं, प्रिंटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, एंटीवायरस आता है, एंटीवायरस और वायरस आता है। अब देखिए एंटीवायरस समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। नॉर्मल भाषा में लगभग सभी दोस्त जानते हैं कि वायरस क्या होता है। देखिए वायरस का सबसे पहले तो हमें पूरा नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। वायरस का पूरा नाम होता है विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही छोटे छोटे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहुंच के हमारे कंप्यूटर के सभी फाइलों को ख़राब कर सकते हैं। और इनका जो पर्पज़ होता है वो काफ़ी तरह का पर्पज़ होता है, जैसे कि मेरे कंप्यूटर में एक बार एक सॉफ्टवेयर वो वायरस घुस गया था, तो उसने क्या किया था, पूरी की पूरी जितनी भी फाइलें थी पूरा कंप्यूटर उसने ख़राब कर दिया था, ठीक है। और उसमें एक फ़ाइल बना दी थी, तो उस फाइल में लिखा हुआ था कि अगर आप अपने कंप्यूटर को ठीक करना चाहते हैं तो आप हमें 40,000 रुपये दीजिए। तो इस तरीके से ये काम में लिए जाते हैं वायरस, ताकि हम किसी के कंप्यूटर को ख़राब कर दें और वापस में फिर ब्लैक मनी हम उनसे मांग सकें। और भी काफ़ी तरह के यूज होते हैं, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन चुराना, उसके यूज़र नेम पासवर्ड चुराने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और अब बात करते हैं हम वायरस के प्रकार की। देखिए वायरस के जो प्रकार है वो काफ़ी तरह के हो सकते हैं, हर रोज़ हर दिन नए नए तरह के वायरस आते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से जो जो है उनकी बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहला है हमारे पास रेजिडेंट वायरस, इसे हम परमानेंट वायरस के नाम से भी जाना जाता है, और आपके कंप्यूटर की सिस्टम मेमोरी में जुड़ जाता है, यानी कि ये जो वायरस होता है वो रैम के साथ जुड़ जाता है, और जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही ये फाइल को इन्फेक्ट कर देता है, सारी की सारी फाइल को ख़राब कर देता है। और आगे दोस्तों हमारे पास ओवरराइट वायरस, ओवरराइट वायरस क्या होता है, यह वायरस जैसे ही फाइल को संक्रमित करता है यानी कि ख़राब करता है, यह फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर उन्हें बेकार कर देता है। और इस प्रकार का वायरस संक्रमित फाइल की जानकारी डिलीट करता है, इस वायरस को हटाने के लिए सभी संक्रमित फाइल को डिलीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो अगर उनको डिलीट नहीं करेंगे तो वो फाइलें किसी दूसरी और फाइलों को भी ख़राब कर सकती है। देखिए वैसे तो इन सभी वायरस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बस ऐसे देंगे एग्ज़ाम के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है या नहीं है, वो हमें बताना। आगे आता है दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट एक्शन वायरस। अब देखिए ये किस तरह का वायरस होता है, इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान के चलते कि हमारी कोई इमेज है वो वायरस से इन्फेक्ट हो गया, तो जब हम उस इमेज को ओपन करेंगे उस फोल्डर के अंदर, तो वो इमेज को ओपन करने से उस फोल्डर में जितनी भी फाइलें पड़ी हैं वो सारी की सारी फाइलों को ख़राब कर देगा। और इसमें एक इस तरह की फ़ाइल बनी हुई होती है, अगर हम इसको ओपन करते तो वो सारे का सारा जो हमारा फोल्डर है वो हमारा ख़राब कर देगा, यानी कि पूरी जो डायरेक्टरी है हमारी उसको इन्फेक्ट कर देगा। और आगे दोस्तों हमारे पास माइक्रो वायरस। अब देखिए माइक्रो वायरस क्या करता है, जो हमारे ऑफिस की जो फाइलें होती है, जो जैसे कि PDF होगी, टेक्स्ट की जो फाइलें होते हैं, उन सभी को वो ख़राब कर देता है।
आगे दोस्तों हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। अब ये देखिए ये वायरस क्या काम करता है, जब हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं तो हमारा कंप्यूटर वो बूटिंग होता है। बूटिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर सभी चीज़ें रेडी होने लगती है, जैसे रैम होने रेडी होने लगती है और भी जितने भी अप्लीकेशन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर वो सभी के सभी तैयार होने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब बूटिंग होती है तो उस बूटिंग सिस्टम को पूरे के पूरे को ख़राब कर देता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर वो ऑन ही नहीं हो पाता। और आगे दोस्तों हमारे पास फाइल सिस्टम वायरस। यह वायरस कंप्यूटर की डायरेक्टरी को ख़राब कर देता है, यानी कि जो हमारी पूरी डायरेक्टरी होती है कंप्यूटर की उसको ख़राब कर देता है। आगे दोस्तों हमारे पास पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह वायरस जितनी बार सिस्टम को संक्रमित करता है उतनी बार खुद को इंस्क्रिप्ट करता है, यानी कि ये जो वायरस क्या करता है कि जितनी फाइलों को ख़राब करता है और उन फाइलों को हम जितनी बार खोलते हैं वो मल्टीप्लाई होते जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है अपने आप को कॉपी करता जाता है। उसके बाद है दोस्तों वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। देखिए इसके अंदर क्या होता है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस के अंदर जब हम मान के चलिए कोई वेबसाइट खोलते हैं मोबाइल के ऊपर खोलते हैं तो वहाँ पे अनचाहे पॉपअप वगैरह आ जाते हैं, अनचाही ऐड आ जाती है और हम इंस्टॉल कुछ और कर रहे होते हैं और इंस्टॉल कुछ और हो जाता है, तो वो क्या होते हैं कि वो स्पेशल स्क्रिप्टिंग करके वायरस बनाए हुए होते हैं अपने वायरस को या फिर अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करवाने के लिए। आगे दोस्तों हमारे पास FAT वायरस। यह वायरस क्या करता है दोस्तों, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी फाइल पड़ी है उसकी पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करके अपने सर्वर को सेंड करता है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास मल्टीपल राइट वायरस। यह वायरस अलग अलग प्रकार से फैल सकता है, जैसे बूट सेक्टर में और फाइल में, यह बहुत तेज़ी से फैलता है, एक ही कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से ये संक्रमित हो सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है हमारी फाइलों को। देखिए मैंने आपको दो तरह की बात बताई थी कि ऊपर एक तो बूटिंग, यानी कि बूटिंग जब हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है, एक तो उसमें खराबी आना और दूसरा क्या है कि हमने कंप्यूटर चला लिया उसके बाद में जैसे हमारी फाइल ख़राब हो जाती है, तो ये जो क्या करता है मल्टी तरीके से, यानी कि बहुत से तरीके से हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। और आगे दोस्तों आगे हमारे पास है वॉर्म्स क्या है। अब देखिए वॉर्म्स की परिभाषा, वॉर्म्स संयम प्रकृति फाइल है जो एक संक्रमित कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। मान के चलिए ए नाम का हमारे पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत से वायरस घुसे हुए हैं और इसमें हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एक पेन ड्राइव लगाई, ए के अंदर हमने पेन ड्राइव लगाई और पेन ड्राइव लगा के और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके बी कंप्यूटर में हम गए, तो बी कंप्यूटर में जो वायरस आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, वॉर्म वायरस कहेंगे। ये क्या होते हैं कि ये ऑटो जनरेटेड होते हैं, यानी कि ये पहले से ही बने हुए होते हैं, ए के अंदर बने हुए होते हैं और बी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे जैसे ईमेल हो गया, नेटवर्किंग होती है, वेबसाइट वगैरह होते हैं, उनसे भी आ सकते हैं और ये ज़्यादातर क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास मेलवेयर वायरस। अब देखिए मालवेयर क्या होते हैं, मालवेयर कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया जाता है ताकि वह हमारे या किसी स्पेसिफिक यूज़र के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके। अब जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि मेरा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया था और वो ब्लैक मनी मांग रहे थे, तो इसलिए मेलवेयर को बनाया जाता है। और मेलवेयर का अलग एक और काम होता है, वो डेटा चुराना, पासवर्ड चुराना, यानी कि गलत तरीके से हमारे कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए ये बनाए जाते हैं। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेलवेयर है वो स्पैम ईमेल के ज़रिए भी डाउनलोड किए जाते हैं। स्पैम ईमेल क्या होते हैं, जो हमारी अनवांटेड ईमेल होती है, जिन्हें हम नहीं चाहते, जो जिनका हमें नहीं पता हो कि कहाँ से आई है, जो हमारे यूज़ की नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पैम मेल या जंक मेल भी कहते हैं। और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों कि जंक मेल क्या होते हैं, स्पैम मेल क्या होते हैं। ईमेल के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको हम बताएंगे ईमेल के बारे में पूरी जानकारी। और ये दोस्तों होते हैं कि ये हमारी अलग अलग वेबसाइट से भी आ सकते हैं। और मेलवेयर के जो कई प्रकार है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वायरस मेलवेयर, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और रैंसमवेयर, स्पैमवेयर, एडवेयर, ये सभी टाइप है दोस्तों। और अगर इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने लगे तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमें ज़्यादा इसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आई है
तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, और आप हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।